कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिरिक नगरपालिका ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में मिरिक झील को पर्यटकों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मिरिक गार्डन को भी बंद कर दिया गया है। मिरिक नगरपालिका चेयरमैन एलबी राय ने बताया कि मिरिक में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मिरिक झील को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल से मिरिक के सभी इलाकों को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जीटीए के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिरिक के सभी पर्यटक लॉज और होटलों को बंद करने के लिए चिट्ठी भी भेजा जाएगा। कल हम लोग को मतलब एसडी साहब के साथ में ये कोविड-19 सेकेंड फेज के लिए मतलब मीटिंग हुआ है। एसडी मैडम ने प्रशासनिक मतलब मीटिंग बोला है, तो उसमें हम लोग ने मतलब कल से मतलब स्टार्ट कर दिया। मतलब कल मीटिंग के बाद में हम लोग ने आके मतलब मिरिक में मिरिक नगर पालिका जो गार्डन था उसका मतलब हम लोग टोटली बंद कर दिया है। तो उसके बाद में अब कल से हम लोग सैनिटाइजर ले आए और सैनिटाइजर मतलब मिरिक में टोटल इलाके में हम लोग सैनिटाइजर करेंगे। और इसमें मिरिक के नागरिक का जो असुविधा होगा हम लोग हेल्पलाइन रेडी करेंगे, वो हेल्पलाइन में कॉन्टेक्ट करने से हम लोग की तरफ से जो हेल्प होगा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। और इसमें पुलिस पर्सन भी हम लोग के साथ में, एसडीओ मैडम भी साथ में, वीडियो भी साथ में, हेल्प भी हम लोग के साथ में, हम लोग मिल के ये काम मिरिक में जो होगा ये कोविड-19 का लड़ने के लिए संस्था भी हम लोग के साथ में, मार्चिंग एसोसिएशन है, डाइवर्सन, सब लोग हम लोग के साथ में, हम लोग मिल के ये कोविड-19 के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है मिरिक। अब हम लोग का तरफ में वो गार्डन का मतलब हम लोग का म्यूनसिपलिटी के अंडर में वो गार्डन था, हम लोग गार्डन बंद कर दिया है। तो इसलिए जीटीए का मतलब जितना इलाका है, मतलब जीटीए का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चार्ज में है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टूरिस्ट इलाका भी बंद करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो आज से होगा, हम एसडी साहब से, एसडी मैडम को ये कन्विंस कराएंगे कि मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक चिट्ठी लिख के मिरिक में जितना टूरिस्ट लॉज है, मोटेल है, वो सब बंद करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। हम वो अवश्य वो मान जाएंगे। मिरिक वासी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब जो हम लोग का मिरिक वासी है, उन लोग हम लोग का मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन मिला है वो मानना चाहिए, प्रशासन से जो गाइडलाइन मिला है वो मानना चाहिए। तब मिरिक का मतलब जनता के लिए हम लोग म्यूनसिपलिटी जो भी काम होगा हम लोग आगे में करने के लिए हम लोग तैयार हैं।